आज 19 तारीख है और 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना सातवां बजट प्रस्तुत करेंगी। और जैसा कि अमूमन होता है, इस बजट को बनाने से पहले वह उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रियल लॉबी से, कुछ किसानों के संगठनों से और अन्य ऐसे तमाम इकोनॉमिस्ट से, बैंकर से मिलकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। लेकिन क्या वो इस देश के आम आदमी से मिली हैं? क्या वो उन परिवारों से मिली हैं, आधे इस देश के लगभग वो परिवार जो दिन की 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? क्या वो उन महिलाओं से मिली हैं जो महंगाई का सबसे ज्यादा दंश झेल रही हैं? क्या वो उन किसानों से मिली हैं जो अपनी उपज का सही दाम मिल जाए इसके लिए संघर्षरत हैं? क्या वो इन युवाओं से मिली हैं जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जो पेपर लीक होने पर प्रताड़ित हो रहे हैं? सवाल और लबोलबाव एक है कि क्या वो असल हिंदुस्तान से मिली हैं? और यह स्पष्ट है कि वो उनसे नहीं मिली हैं। और यह भी स्पष्ट है कि बजट हर बार की तरह चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए और मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है।